इमर्जिंग एशिया का 2023 में भारतीय टीम को पाकिस्तान से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इमर्जिंग एशिया कप 2023 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच में खेला गया, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और बैटिंग करने का ऑफर पाकिस्तान को दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे क्या हुआ जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलना, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, बता दें कि पाकिस्तान की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 351 रन का विशाल स्कोर बोर्ड पर लगा दिया, जिसमें पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज ने अच्छी शुरुआत दिलाई और 17.2 ओवर में 121 रनों की बेहतरीन साझेदारी करते हुए टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई और दोनों ही बल्लेबाजों ने तेजी से अपने अर्धशतक पूरे किए हैं। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा तैयब ताहिर ने 108 रन की तूफानी पारी खेली, जिसके जवाब में टीम इंडिया के ओपनर ने भी अच्छी शुरुआत की। अभिषेक शर्मा और साई सुदर्शन ने 8 ओवर में 60 रन से ज्यादा बोर्ड पर लगा दिए थे, तभी एक गलत फैसला हुआ जिसके वजह से साई सुदर्शन कैच आउट हो गए। जिस गेंद पर साई आउट हुए वह गेंद नो बॉल थी, लेकिन अंपायर के गलत फैसले से साई को पवेलियन लौटना पड़ा। फिर टीम इंडिया लड़खड़ा गई और पाकिस्तानी टीम से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन अभिषेक शर्मा ने बनाई, उन्होंने 61 रनों की अच्छी पारी खेली। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।